हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से चैत्र नवरात्रि पर्व का ग्रुप पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से चैत्र नवरात्रि पर्व का ग्रुप पोस्टर बना सको। दोस्तों, इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी PNG PLP मटेरियल यूज़ हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को 3 स्टेप में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग को PNG चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहां जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, पोस्टर बनाने के लिए पिक्चरलैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे। उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे 3 डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे। नीचे ओपन PLP फाइल पे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे PLP पे क्लिक करेंगे। यहाँ एरो के निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे चैत्र नवरात्रि पोस्टर PLP पे क्लिक करेंगे। ओपन एन ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद बैक हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारा PLP फाइल ओपन हो जाएगा। अब इस PLP फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना ग्रुप पोस्टर तैयार करेंगे। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमको चेंज करना है उसे डिलीट करके या एडिट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे मैंने दुर्गा माता का फ़ोटो PNG लगा रखा है। दोस्तों, अगर आप लोग के पास कोई अच्छी दुर्गा माता का फ़ोटो PNG है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी ये फ़ोटो PNG है वहाँ पे डिलीट वाले आइकॉन पे क्लिक करके इसे डिलीट कर देंगे। उसके बाद प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे और वहाँ से नई फ़ोटो PNG हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने लिखा हुआ है, आप सभी देशवासियों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यहाँ भी आप लोग को कुछ चेंज करना है तो चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब के आइकॉन के बगल में अपने चैनल का नाम लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पे एक व्हाट्सअप नंबर दिया है जो कि फेक है, तो यहाँ पे आप लोग अपने चैनल का नाम लिख सकते हो और यहाँ पे अपना व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हो। इसके लिए 3 डॉट के नीचे जो आइकॉन बना है वहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी चैनल का नाम लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे। पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने चैनल का नाम लिख के ओके कर देंगे। उसी प्रकार से दोस्तों, अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मैंने फ़ोटो फ्रेम लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग अपना, अपने दोस्तों का, अपने घर वालों का या अपने गाँव के लोगों का फ़ोटो PNG लगा के अपना ग्रुप पोस्टर तैयार कर सकते हो। इसके लिए आप लोग को प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक करना रहेगा, फ्रॉम गैलरी में जाना रहेगा और वहाँ से जहाँ भी आपने फ़ोटो PNG सेव करके रखा हुआ है वहाँ से फ़ोटो PNG सिलेक्ट करना रहेगा। मैं ये वाली फ़ोटो PNG यहाँ से सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे ओके कर देंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे बड़े वाले बिंदु को क्लिक करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितना भी हमें फ्रेम में चाहिए उतना हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा और छोटा कर देते हैं जिससे सही जगह पे एडजस्ट हो जाए। तो दोस्तों, देख सकते हो मैंने यहाँ पे फ़ोटो PNG सेट कर दिया है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप लोग बाकी की फ़ोटो PNG यहाँ पे ऐड करके अपना ग्रुप पोस्टर तैयार कर सकते हो। अब दोस्तों, इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें, इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे। इमेज फॉर्मेट में JPG या PNG सिलेक्ट करेंगे, क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको। दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।